तो गाइस ये है माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन का सबसे बेस्ट फुली ऑटोमेटिक फूड फार्म जो कि प्रोड्यूस करता है थाउजेंड्स ऑफ फूड आइटम पर आवर। और आप सभी को तो पता है कि माइनक्राफ्ट में बिना फूड के सर्वाइव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, और इसीलिए आज मैं इस फार्म को अपने वर्ल्ड में बनाकर अपने फूड की कमी को पूरी तरह से खत्म करने वाला हूं। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को जाकर लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड या एंजॉय दिस वीडियो गाइस। तो गाइस अपने न्यू फूड फार्म को बनाने से पहले एंड गाइस उस वाली जगह की लोकेशन आप लोगों को बताने से पहले मैं आप लोगों को ले जाने वाला हूं अपने पुराने वाले फूड फार्म पर जिसको मैं अभी तक यहाँ पर यूज करता आ रहा हूँ। तो गाइस ये है वो फूड फार्म जिसको अभी तक यहाँ पर मैं अपने वर्ल्ड में यूज करता था, जिसने मुझे सच में काफी ज्यादा फूड वगैरह दिया इस वर्ल्ड में सर्वाइव करने के लिए। एंड ऑल्सो गाइस ये मेरे इस वर्ल्ड का सबसे फर्स्ट फार्म था, यानी गाइस ये मेरा सबसे पहला फार्म था जिसको मैंने अपने इस वर्ल्ड में बिल्ड किया था। और गाइस आज मैं एक न्यू फार्म इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि गाइस ये वाला फार्म अच्छा तो काफी ज्यादा वर्क करता है, बट इससे मुझे फूड बहुत ही ज्यादा कम देखने को मिलता है, जिसकी वजह से मुझे अपने इस वर्ल्ड में कई बार काफी ज्यादा फूड वगैरह की भी कमी पड़ जाती है, जिसकी वजह से आज मैं एक न्यू जॉइंट फुली ऑटोमेटिक फूड फार्म बनाने वालों जो कि इस वाले से काफी ज्यादा बड़ा होने वाला है। बट गाइस अपने न्यू वाले फार्म को बिल्ड करने से पहले अपने इस पुराने फार्म को यहां से रिमूव करते हैं, लेट्स गो। ओके तो गाइस अभी मैंने थोड़ी सी देर में यहाँ पर अपने पूरे फार्म को रिमूव कर दिया, इनका सिर्फ और सिर्फ मैंने यहाँ पर इन चेस्टों को छोड़ दिया क्योंकि इसमें जो काफी ज्यादा फूड वगैरह है जिनका यूज मैं अपने न्यू वाले फार्म को बिल्ड करने के लिए करने वाला हूँ। एंड और भी गाइस यहाँ पर मैंने अपने फार्म के विलेजर्स को भी इस जगह पर रख दिया ताकि इनको मैं अपने न्यू वाले फार्म पे ले जा सकूं, एंड इन वाले विलेजर को मैं अपने न्यू वाले फार्म पर ले जाकर ब्रीड करवाऊंगा, जिससे कि यहाँ पर जो काफी ज्यादा विलेजर्स मेरे पास हो जाएंगे, जिससे मेरा पूरा फार्म यहाँ पर फुली ऑटोमेटिक वर्क करने वाला है। तो अभी मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ गाइस डायरेक्टली उस वाली लोकेशन पर जहाँ आज हम अपने न्यू फुली ऑटोमेटिक फूड फार्म को बिल्ड करने वाले हैं। तो गाइस अपने उस फूड फार्म को मैं बिल्ड करने वाला हूँ इस वाले ओशन के ऊपर, क्योंकि जैसे कि आप सभी लोग देख पा रहे हो मेरे पीछे यहाँ पर मेरा आयरन फार्म भी, एंड गाइस यहाँ पर मेरा फूड फार्म भी होगा, तो दोनों यहाँ पर देखने में बहुत ही ज्यादा अच्छे लगेंगे। एंड और भी गाइस ये फार्म मेरा साइज में काफी ज्यादा बड़ा होने वाला है, जिसकी वजह से मुझे ओशन बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है अपने फार्म को बिल्ड करने के लिए। तो गाइस अभी ज्यादा टाइम को ना वेस्ट करते हुए लगते हैं फटाफट से काम पे, एंड अपने फार्म के फ्रेम को बनाना यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। ओके तो गाइस अभी मेरे फार्म का यहाँ पर पूरा फ्रेम तो यहाँ पर बनकर कंप्लीट हो चुका है, एंड गाइस जैसे कि आप सभी लोग देख पा रहे हो यहाँ पर मैंने छोटे छोटे काफी ज्यादा फार्म्स वगैरह को भी बिल्ड किया है, जिससे यहाँ पर मैं ज्यादा से ज्यादा फार्मिंग करके बहुत सारा फूड वगैरह ले सकूं। और इन सभी फार्म्स के बीच में गाइस जितना भी खाली स्पेस यहाँ पर बचा हुआ है इन सभी के बीच में भी यहाँ पर मुझे डर्ट लगाकर इसे फिल करना है। और अभी जहाँ पर भी गाइज मैंने यहाँ पर स्लैब्स वगैरह लगाए उन सभी में यहाँ पर मैं एक एक वाटर बकेट को भी डालने वाला हूँ, ताकि जब मैं यहाँ पर होए करूँ तो गाइज वो जो है यहाँ पर वापस से ड्राई ना हो जाए, एंड यहाँ पर बाद में मैं अपने सारे के सारे सीड्स वगैरह को भी प्लांट कर सकूँ। एंड अभी यहाँ पर मैं फाइनली अपने पूरे के पूरे फार्म लैंड को यहाँ पर होए कर सकता हूँ, ताकि यहाँ पर मैं बाद में अपने सारी सीड्स वगैरह को भी लगा सकूँ। तो गाइज अभी यहाँ पर मैं अपने फार्म लैंड को होए कर रहा था, एंड गाइज देखो मेरे सामने एक छोटी सी प्रॉब्लम आई है। जैसे ही गाइज मैं अपने यहाँ पर होए करे हुए फार्म लैंड के ऊपर यहाँ पर चल रहा हूँ, तो गाइज देखो जितना भी मेरा यहाँ पर फार्म है वो यहाँ पर खराब हो रहा है, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुझे अपने इस फार्म को कंप्लीट करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, और इसे ठीक करने के लिए मुझे जरूरत पड़ने वाली है थोड़ी बहुत वुड की। तो चलते हैं डायरेक्टली अपने बेस पर। ओके तो गाइस अभी मैं अपने बेस से काफी ज्यादा स्लैब्स वगैरह को लेकर आ गया हूँ, एंड अभी इन स्लैब्स का यूज करते हुए मैं अपने फार्म के चारों तरफ एक बॉर्डर बनाने वाला हूँ, जिससे होए करते टाइम मेरा फार्म यहाँ पर खराब नहीं होगा। एंड गाइस अभी मैं अपने फार्म के हर एक कॉर्नर पे एक एक स्ट्रूम लाइट को भी लगाने वाला हूँ, जिससे रात के टाइम पे यहाँ पर एक भी ज़ॉम्बी वगैरह स्पॉन नहीं होगा, एंड मेरे सारे के सारे सीड्स वगैरह यहाँ पर जल्दी जल्दी ग्रो होंगी। तो गाइस इतना काम कंप्लीट हो जाने के बाद हमारा ये फार्म देखने में कुछ इस तरीके से लगने वाला है, एंड गाइस देखो ये ओवरऑल काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। एंड अभी मैंने हर एक रूम लाइट के ऊपर भी यहाँ पर एक एक ट्रैप डोर को रख दिया, ताकि ये ओवरऑल और भी ज्यादा अच्छा लगे। तो गाइस अभी अपने फूड फार्म के लुक को और भी ज्यादा एनहेंस करने के लिए मुझे यहाँ पर थोड़े बहुत ग्लास वगैरह की भी जरूरत पड़ने वाली है। तो गाइस अभी चलते हैं डायरेक्टली अपने जॉइंट फर्नेस के अंदर, एंड वहां पर चलकर थोड़े बहुत ग्लास वगैरह अपने साथ लेकर आते हैं। ओके तो गाइस अभी मैंने ग्लास की मदद से अपने पूरे के पूरे फार्म लैंड को यहाँ पर कवर कर दिया, एंड गाइस अभी मैं फाइनली अपने पूरे के पूरे फार्म को यहाँ पर होए कर सकता हूँ, वो भी इसे बिना खराब करे। ओके
ओके तो गाइस जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हो इस टाइम पर मैंने अपने पूरे फार्म लैंड को होई की मदद से होई भी कर दिया जो कि अभी देखने में काफी ज्यादा मस्त लग रहा है। एंड अभी गाइस मैं अपने पूरे फार्म में अपनी सारी सीड्स वगैरह को भी प्लांट कर सकता हूं। बट गाइस उससे पहले मैं सोच रहा हूं कि क्यों ना यहां पर मैं इस पूरे फार्म में एक ऑटोमेटिक कलेक्टिंग सिस्टम को बना दूं जिससे मेरी जितनी भी क्रॉप्स वगैरह इस वाले फार्म पर यहां पर ग्रो होंगी वो यहां पर ऑटोमेटिकली आकर मेरी चेस्ट में आकर कलेक्ट हो जाएंगी। और अपने ऑटोमेटिक कलेक्टिंग सिस्टम को बनाने के लिए गाइस मुझे जितने भी सामान की जरूरत पड़ने वाली है वो मेरे पास ऑलरेडी मेरे बेस में रखा हुआ है। बस मुझे वहां पर जाकर उन सारे मटेरियल्स को इस वाले फार्म तक लेके आना है। तो गाइस अभी ज्यादा टाइम को ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने बेस पे। जितने भी सामान की हमें जरूरत पड़ने वाली है अपने फार्म के स्टोरेज को बनाने के लिए उसको चलकर लेकर आते हैं। ओके तो गाइस अभी मैं वो सारा सामान को लेकर आ चुका हूँ जितने भी मुझे अपने फार्म के स्टोरेज को बनाने के लिए चाहिए। एंड गाइस देखो ये है वो सारा सामान। एंड अपने स्टोरेज को मैं बनाने वाला हूँ इस वाली जगह पर जहाँ पर हमारा सारा का सारा फूड आइटम वगैरह कलेक्ट होने वाला है इस वाले फार्म से। एंड अभी यहाँ पर गाइस अपने फार्म के स्टोरेज को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं काफी ज्यादा चेस्ट वगैरह लगाने वाला हूँ क्योंकि इस वाले फार्म से हमें काफी ज्यादा फूड वगैरह मिलने वाला है। सो अभी ज्यादा टाइम का ना वेस्ट करते हुए लगते हैं फटाफट से काम पर। लेट्स गो। ओके तो गाइस जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी देर में अपने फार्म के पूरे स्टोरेज सिस्टम को यहाँ पर कंप्लीट कर लिया जो कि गाइस देखने में काफी ज्यादा मस्त लग रहा है। एंड यहाँ पर गाइस मैंने माइनक्राफ्ट विद होपर का यूज यहाँ पर करा है जिससे गाइस हमारा जितना भी फूड वगैरह इस वाले फार्म से आकर मिलेगा मुझे वो हमारा जो ऑटोमेटिकली नीचे वाली चेस्ट में आकर यहाँ पर कलेक्ट हो जाएगा। एंड इसी के साथ गाइस हमारा इस फार्म का पूरा स्टोरेज भी कंप्लीट हो जाता है। तो अभी एक एक करके यहाँ पर अपनी सारी क्रॉप्स वगैरह को प्लांट करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर प्लांट करने वाला हूँ काफी ज्यादा कैरेट्स वगैरह क्योंकि गाइस आप लोगों को तो पता है कि मैं फूड आइटम के तौर पे सबसे ज्यादा गोल्डन कैरेट्स का यूज यहाँ पर करता हूँ क्योंकि इससे जो है हेल्थ भी बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ती है और दूसरा गोल्डन कैरेट्स को खाने से अमीरी भी झलकती है। एंड इसके बाद यहाँ पर मैं प्लांट करने वाला हूँ काफी ज्यादा पोटैटो वगैरह क्योंकि गाइस इससे हेल्थ तो मुझे इतनी नहीं मिलने वाली है लेकिन आलू से सोना तो मैं बना ही सकता हूँ। एंड इसके बाद यहाँ पर मैं प्लांट करने वाला हूँ काफी ज्यादा सीड्स वगैरह ताकि मैं अपने विलेजर्स को भी थोड़े बहुत ब्रेड वगैरह खिला सकूँ। एंड आखिर में मैं यहाँ पर प्लांट करने वाला हूँ काफी ज्यादा बीट रूट। तो गाइस अभी मैंने अपने फार्म में हर एक जगह पर काफी ज्यादा क्रॉप्स वगैरह को भी प्लांट कर दिया। एंड अभी हमारा फार्म देखने में बहुत ही ज्यादा हरा भरा लग रहा है। एंड अभी गाइस ये वाला फार्म मुझे देखने में बहुत ही ज्यादा अच्छा यहाँ पर लग रहा है। बट गाइस इस वाले फार्म को ऑटोमेटिकली वर्क करवाने के लिए मुझे यहाँ पर थोड़े बहुत विलेजर्स को लेकर आना पड़ेगा और विलेजर्स को यहाँ पर लाने के बाद मुझे उन्हें फार्मर की जॉब देनी पड़ेगी जिससे वो मेरे लिए इस वाले फार्म पर आकर फार्मिंग करेंगे। और अपने इस पूरे फार्म को ऑटोमेटिकली वर्क करवाने के लिए गाइस मुझे टोटल 52 विलेजर्स की जरूरत पड़ने वाली है जिससे हमारा ये पूरा फार्म ऑटोमेटिकली वर्क करेगा एंड मुझे अनलिमिटेड फूड वगैरह प्रोड्यूस करके देगा। तो गाइस अभी ज्यादा टाइम को ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने बेस पे। वहां से चलकर मैं लेकर आता हूं अपने दोनों विलेजर्स को जो कि मैंने अपने पुराने वाले फार्म से बचाए थे। ओके तो गाइस जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हो इस टाइम पर मैं अपने बेस से अपने दोनों विलेजर्स को भी लेकर आ चुका हूं। गाइस इन दो विलेजर्स को मेरे को लेकर जाना अपने इस न्यू वाले फूड फार्म में। बट अपने विलेजर्स को यहां पर लाने से पहले गाइस मुझे यहां पर एक रेल पाथ को बनाना पड़ेगा जो कि डायरेक्टली कनेक्ट होने वाला है हमारे इस वाले फूड फार्म से। एंड यहां पर मैं एक छोटा सा एरिया भी बनाने वाला हूं जहां पर मैं अपने इन दोनों विलेजर्स को ब्रीड करवाने वाला हूं। देन एक एक करके यहाँ पर मैं इन सभी को अपने इस फूड फार्म में लेकर आऊंगा। ओके तो गाइस अभी यहाँ पर मैंने थोड़ी सी देर में एक बढ़िया से रेल पाथ को भी आकर बना दिया है जो कि डायरेक्टली हमारे यहाँ पर फूड फार्म से कनेक्ट होता है। और यहाँ पर मैं अपने दोनों विलेजर्स को भी लेकर आ चुका हूँ तो इन्हें मैं अभी यहाँ पर काफी ज्यादा कैरेट्स वगैरह दे देता हूँ ताकि ये लोग आपस में करना स्टार्ट करें। ब्रीडिंग गाइस ब्रीडिंग की मैं यहाँ पर बात कर रहा था क्योंकि इसी से मुझे बहुत सारे विलेजर्स मिलेंगे जिससे मुझे अपने इस फार्म से अनलिमिटेड फूड मिलेगा।
बाकी इन दोनों को तो बहुत सारे मजे मिलेंगे। ओके तो गाइस अभी यहाँ पर मेरे पास थोड़ी सी देर में काफी ज्यादा विलेजर्स तो आ चुके हैं, इनका कुछ इनमें से छोटे हैं एंड का कुछ कुछ जो है यहाँ पर बड़े भी हो चुके हैं। एंड यहाँ पर मैंने और भी काफी ज्यादा बेड वगैरह यहाँ पर लगा दिए थे जिससे मेरे पे और भी ज्यादा विलेजर्स आ सके। एंड अभी गाइस मुझे इन सभी विलेजर्स को एक एक करके अपने उस फार्म के अंदर लेकर जाना है एंड गाइस उन सभी को मेरे को यहाँ पर फार्मर की जॉब देनी है जिससे हमारा पूरा फूड फार्म ऑटोमेटिकली वर्क करने वाला है। तो गाइस अभी फटाफट से लगते हैं काम पे एंड कंप्लीट करते हैं अपने इस फूड फार्म को। तो फाइनली गाइस ऑलमोस्ट 2 दिन से भी ज्यादा का टाइम लग चुका है गाइस मुझे अपने इस पूरे फार्म पर विलेजर्स को लाकर गाइस उन सभी को फार्मर की जॉब देने में। एंड अभी गाइस मैं फाइनली हर एक कंपार्टमेंट में अपने हर एक विलेजर को भी लेकर आ चुका हूं गाइस। इन सभी को यहां पर मैंने परफेक्टली फार्मर की जॉब भी दे दी है जिससे गाइस ये जो है मेरे लिए यहां पर परफेक्टली वर्क कर रहे हैं एंड मेरे को जो है अनलिमिटेड फूड वगैरह इस वाले फार्म से देने वाले हैं। एंड अभी गाइस हमारे पूरा फूड फार्म तो यहां पर कंप्लीट हो चुका है बट गाइस अभी मैं जो इस पूरे के पूरे फार्म को अभी यहां पर और भी ज्यादा डेकोरेट करके इसकी ओवरऑल लुक को और भी ज्यादा एनहांस करने वाला हूं ताकि ये देखने में भी बहुत ही ज्यादा अच्छा लगे। तो गाइस अपने इस फूड फार्म को डेकोरेट करने से पहले एंड इसकी ओवरऑल लुक को और भी ज्यादा एनहांस करने से पहले एक और काम करना यहाँ पर बाकी है जो कि है आप लोगों को शाउट आउट देना। तो आज का जो हमारा पहला शाउट आउट जाता है वो जाता है स्नो प्लेस गेमिंग को जिनको यहाँ पर एक गोल्ड बनना था तो उनको गोल्ड पे शाउट आउट मिल चुका है। तो स्नो प्लेस गेमिंग शाउट आउट टू यू। तो आज का जो हमारा दूसरा शाउट आउट जाता है वो जाता है सेबरुल गेमिंग को जिनको यहाँ पर एक एंचांटेड गोल्डन एप्पल बनना था तो उनको एंचांटेड एप्पल पे शाउट आउट मिल चुका है। तो सेबरुल गेमिंग शाउट आउट टू यू। तो गाइस अगर आप लोगों को भी इसी तरीके से शॉर्ट आउट चाहिए तो गाइस आप लोगों को कमेंट करना है अपना वीडियो का फेवरेट पार्ट एंड अपना नेम एंड कोई भी माइनक्राफ्ट आइटम को कमेंट कर देना एंड आप लोगों को नेक्स्ट एपिसोड में शॉर्ट आउट मिल जाएगा। तो गाइस इसी के साथ हमारा यहां पर अपने सब्सक्राइबर को शॉर्ट आउट देने का काम भी कंप्लीट हो चुका है एंड अब टाइम है अपने इस फूड फार्म को अच्छे से डेकोरेट करके इसकी ओवरऑल लुक को और भी ज्यादा तगड़ा बनाने का। तो अभी मैंने अपने फार्म को पूरी तरीके से डेकोरेट करने के लिए जितने भी मटेरियल्स की मुझे जरूरत पड़ने वाली थी उन सभी को भी यहां पर कलेक्ट कर लिया है। तो अभी फटाफट से लगते हैं काम पे एंड कंप्लीट करते हैं अपने इस फार्म के डेकोरेशन को। लेट्स गो। तो फाइनली गाइस अभी यहाँ पर मैंने अपने पूरे के पूरे फूड फार्म को भी अच्छे से यहाँ पर डेकोरेट कर दिया है जो कि अभी देखने में काफी ज्यादा मस्त लग रहा है। एंड गाइस अभी मैं आप लोगों को अपने इस फार्म को अंदर से भी दिखा देता हूँ। गाइस देखो यहाँ पर जो हमारा फार्म है गाइस काफी ज्यादा अच्छा देखने में लग रहा है। एंड गाइस नीचे की तरफ में गाइस आप लोग जो मेरे इस माइनक्राफ्ट विद होपर को भी चलते हुए देख सकते हैं जो कि हमारा सारा का सारा फूड आइटम वगैरह को हमारे इस फार्म से हमारी चेस्ट में आकर कलेक्ट करवा रही है। एंड यहाँ पर हमारे सारे विलेजर्स वगैरह भी है जो कि यहाँ पर अच्छे से फार्मिंग करें ताकि मुझे यहाँ से अनलिमिटेड फूड वगैरह मिल सके। एंड गाइस अब टाइम है आप लोगों को अपने इस फूड फार्म के रिजल्ट्स वगैरह दिखाने कि गाइस हमें इतनी सी देर में अपने इस फूड फार्म से टोटल कितना सारा फूड मिला है। तो गाइस अभी मैं आप लोगों को इस वाले फार्म के रिजल्ट्स दिखाता हूं। तो गाइस देखो ये है हमारा पूरा स्टोरेज रूम एंड गाइस यहां पर हमारा सारा फूड आइटम वगैरह आ रहा है। तो यहां पर गाइस हमारी सारी ब्रेड्स वगैरह, यहां पर हमारे सारे पोटैटो वगैरह एंड गाइस आप लोग जो इसकी यहां पर क्वांटिटी देख सकते हैं कि गाइस यहां पर कितना सारा आ रहा है, वो भी इतने से टाइम पे इतना सारा आ चुका है। तो आप लोग इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे ये फूड फार्म कितना ज्यादा फास्ट वर्क कर रहा है। तो गाइस इसी के साथ हमारा पूरा फूड फार्म यहां पर बनकर कंप्लीट हो जाता है। तो गाइस पक्का इस वाले फार्म को कमेंट में जाकर आउट ऑफ 10 रेट करना मत भूलना कि आप लोगों को ये वाला फार्म देखने में कैसा लगा। एंड एक बार आप जो है गाइस इस वाले फार्म की फाइनल लुक को यहाँ पर ऊपर से भी देख लो जो कि देखने में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। एंड गाइस इस वाले फार्म की डेकोरेशन को यहाँ पर मैंने स्प्रूस वुड की मदद से यहाँ पर करा है जो कि देखने में तो काफी ज्यादा सिंपल लग रहा है बट इसकी ओवरऑल लुक को काफी ज्यादा तगड़ा बना रहा है। तो चलो गाइस आज के इस वाले वीडियो में इतना ही। आई होप कि आप सभी लोगों को आज की गेम प्ले वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जाकर फटाफट से लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड आप लोगों के मन में गाइस कोई भी न्यू से आइडिया या फिर वगैरह जो कि आप लोग अपकमिंग मेरे इस वर्ल्ड में आकर देखना चाहते हो तो वो आप लोग मुझे कमेंट करके यहाँ पर बताना मत भूलना। तो बस आज के लिए तो फिलहाल इतना ही, बाकी मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।